गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं साकेत कौशिक आप सभी का संघर्ष इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जल्दी से फटाफट से क्लास से जुड़ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन बराबर होगा, क्वेश्चन 30 होंगे, परंतु क्लास थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो जाएगी। आज मैं किसी के कमेंट नहीं देखने वाला हूँ, थोड़ा सा जल्दी क्लास को क्या है खत्म करना, मुझे कहीं जाना, तो फटाफट से क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार क्लास को फटाफट से शेयर जरूर कर देंगे। मैं इतने नहीं करा रहा हूँ जितने आप शेयर करेंगे सेशन को, तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा और सेशन को क्या है लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। दक्षिण भारत में ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये इंडोनेशिया दक्षिण भारत में, और हमारे साइड में जो मुगल कंट्रीज हैं या जिनको कहते हैं अरब कंट्रीज, वहां अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी मिट्टी उपयुक्त हो जाती है दक्षिण भारत के लिए, जलोढ़ मिट्टी, लाल लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर मरु मिट्टी। देखिएगा नीचे की तरफ से चलते हैं और बात करते हैं एक एक मिट्टी की। काली मिट्टी, काली मिट्टी की बात करी जाए तो हमारा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो हो जाता है वहां पर काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पर? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। और कौन सा कह रहा है? मरु मिट्टी, मरु मिट्टी की यानी कि मरुस्थल जो ऐसा होता है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में ज्यादा मिलता है, राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? लाल लैटेराइट मिट्टी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल लैटेराइट मिट्टी दक्षिण भारत में पठारी भाग में अधिकांश ये देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, कौन सा? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, इनका जो बेसिन है या फिर कहा जाए इनके दोआब वाले क्षेत्र में जहां जहां गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र बहती है वहां कौन सी अधिकांश मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती है, परंतु लाल मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, ये सारी की सारी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। आपका उड़ीसा हो गया और तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये वाला जो भाग हो जाता है यहाँ पर आपकी ये मिट्टी अधिकांश रूप में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, पूछ रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, लॉर्ड मिंटो या वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इससे बेहद एक चल प्रचलित क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेफ्ट से संबंधित हो जाता है, हड़प की नीति से संबंधित हो जाता है। इसी ने शुरू की थी किसकी? हड़प की नीति, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बहुत सारे काम किए गए थे, कौन सी? एक तो हड़प की नीति इसने शुरू की थी, हड़प की नीति। डाक टिकट इसके द्वारा जारी किए गए थे, डाक टिकट। रेलवे का शुरुआत इसने की थी, रेलवे। पीडब्ल्यूडी विभाग की शुरुआत इसने की थी, पीडब्ल्यूडी, है ना। लोक निर्माण विभाग कार्य इसको जो कहते हैं उसकी भी इसके द्वारा ही शुरुआत की थी। और इसी के समय में आता है एक, कौन सा? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था, डिस्पैच शिक्षा से संबंधित हो जाता है, कौन सा आपका? वुड डिस्पैच, सारा का सारा इसी के काल में होता है। कैप्टन रीड की बात करें तो यही इसका सही आंसर हो जाता है, कैप्टन रीड। और इसके साथ एक और था व्यक्ति, मुनरो, कौन हो जाता है? मुनरो। मुनरो कौन था? मद्रास का गवर्नर हो जाता है मुनरो, मद्रास का गवर्नर। इन दोनों ने ही शुरुआत की थी किसकी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की। और किसके काल में था? वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय का यहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। उस समय में क्या थी? कैप्टन रीड और मुनरो ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो से एक बहुत ज्यादा प्रचलित सवाल है, वो ये पूछा जाता है लॉर्ड मिंटो से, क्योंकि इसी के समय में साल 1809 में, कब? 1809 में अमृतसर की संधि होती है राजा रणजीत सिंह के साथ, रणजीत सिंह के साथ संधि होती है साल 1809 में रणजीत सिंह के साथ क्या कर लेता? संधि कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है रणजीत सिंह की। उस समय विश्व की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना रणजीत सिंह की थी, जबकि पहली सबसे शक्तिशाली सेना अंग्रेजों के पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कैप्टन रीड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अपने महानिर्वाण से पहले, महानिर्वाण यानी कि अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? ये चार प्रमुख स्थान है, चारों के चारों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चारों स्थानों के बारे में थोड़ा थोड़ा
जान लेते हैं आखिर कहां कहां कौन कौन सी चीजें की थी। स्क्रीनशॉट बराबर लेते रहोगे, नोट नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि हाथ से लिखे नोट्स जो कारगर होते हैं वो और कुछ नहीं होते। देखिएगा पहला दे रखा है ऑप्शन कौन सा, कुशीनगर। कौन सा दे रखा है, कुशीनगर। समय है कब, 483 BC का, 483 BC। इसी समय को क्या कहा जाता है, कुशीनगर में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, जिसको इनकी मृत्यु कही जाती है। कौन सा, परिनिर्वाण। इज दैट क्लियर, 483 BC। लुम्बिनी की बात करें तो यही इनका जन्म होता है। क्या होगा, जन्म, जन्म कब होता है इनका, 563 BC में इनका जन्म होता है, 563 BC में इनका जन्म होता है। कहां, लुम्बिनी में हो जाता है। और आगे क्या दे रखा है, वैशाली। वैशाली वो स्थान हो जाता है जहां इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। और उसके बाद सारनाथ की बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन, कौन सा, धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि इनका प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश यहीं से शुरू किया था। प्रथम उपदेश कहां दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था, याद रख लेंगे। चारों के चारों स्थल इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सही आंसर इसका वैशाली हो जाता है। ये रहा द एम्परसन न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा हो जाती है, रोल्ड्स डाहल, ऑस्कर वाइल्ड या एनिल्ड ब्लीटन या हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। देखिएगा चौथा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ये प्रचलित हो जाते हैं बाल कथाएं लिखने के लिए, लगभग 50 से ज्यादा इन्होंने बच्चों के बारे में, बच्चों की पुस्तिकाएं, उनके लिए कार्टून नेटवर्क वगैरह जो किताबें लिखी थी, किसके द्वारा लिखी जाती है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद ऑप्शन 4 पर टिक करते हैं। सभी के आंसर आ रहे होंगे सही, आई होप, क्योंकि आज मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं तो माइंड मत कीजिएगा प्लीज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लगातार अपने आंसर करते रहिएगा, मैं इनको बाद में चेक कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना। देखिएगा भारतीय संग्रहालय की बात करी जाए तो ये संग्रहालय भारत का ही नहीं वरन एशिया का पहला संग्रहालय हो जाता है। एशिया का पहला संग्रहालय खोला गया था कब, वर्ष 1814 में। इस संग्रहालय में आपकी बहुत सारी चीजें हमारे आधुनिक मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर मिली हुई हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर संग्रहित हैं। वर्ष 1814 में इसका गठन किया गया था, 1814 में इसको स्थापित किया गया था। इज दैट क्लियर, और सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चले चले जी, अगले प्रश्न पर, ठीक है जी, कोई नहीं लीजिएगा। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हो जाते हैं, नालंदा और विक्रमशिला। देखिएगा मेहर भोज, लक्ष्मण सेन, गोपाल या धर्मपाल, इसमें दो शासक दे रखे हैं जो कि पाल वंश से संबंधित हो जाते हैं। पाल वंश जिसके संस्थापक थे गोपाल, गोपाल एक क्षत्रिय राजा के पुत्र थे और जिनको जनता के द्वारा क्या था, समर्थन मिल गया था, और उन्होंने क्या कर दी थी, पाल वंश की स्थापना कर दी थी। उसी के दूसरे शासक हो जाते हैं धर्मपाल, जिनके द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक होने का गौरव प्राप्त होता है। विक्रमशिला इनके द्वारा स्थापित किया था जबकि नालंदा का इन्होंने जीर्णोद्वार किया था, इसलिए धर्मपाल को ही इसका संस्थापक मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साल 2022 में 20 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए थे, जिनकी वजह से हमारा दिल्ली और नोएडा, सॉरी दिल्ली वाला क्या था, हाईवे जाम कर दिया गया था पूरा का पूरा, बहुत कई साल तक, लगभग एक साल तक भारतीय किसान यूनियन के द्वारा क्या थे, आंदोलन किए जा रहे थे लगातार। तो ये वही कृषि बिलों के बारे में पूछ रहा, वो कितने हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, एक बार उन तीनों बिलों पर नजर डाल लेते हैं। ये हैं आपके कृषि उत्पादन और व्यापार वाणिज्य सुविधा और संवर्धन विधेयक साल 2020, दूसरा था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक संरक्षण एवं सशक्तिकरण विधेयक अनुबंध 2020, और तीसरा हो जाता है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। ये तीन बिल थे जिनके लिए क्या थी, बहुत ज्यादा रामायण चली थी, और अंततः केंद्र सरकार को तीनों के तीनों बिल क्या थे, वापस लेने पड़े थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर 3 हो जाते हैं बिल इसके। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप हो जाता है, जैव अपघटनीय यानी कि जो क्या है परिवर्तित हो जाए, जैव के द्वारा क्या है अपघटित हो जाए, प्लास्टिक, टायर, कांच या कंपोस्ट, कौन सा हो जाता है। प्लास्टिक की बात करें ये भी नहीं है, टायर भी नहीं हो जाता, वो भी एक प्लास्टिक का ही अपर रूप हो जाता है। कांच की बात करें, कांच भी नहीं है, कंपोस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा कंपोस्ट खाद, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं
या फिर जो भी लकड़ी वगैरह होती है इनके द्वारा गलने से सड़ने से जो बनता है तैयार होता है उसको कंपोस्ट कहा जाता है। कई प्रकार से बनता है, कई प्रकार से निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कंपोस्ट। थोड़ा सा कांच पे चला गया है बाबू, कंपोस्ट पे आ जा, ये लगेगा। सही आंसर है जी, सही। चले जी आगे दो जी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में कहां के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था? जर्मनी के, स्पेन के, स्वीडन के या इटली के? कौन हो जाते हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड? ये कहां का हो जाता है? स्पेन का ये अवार्ड हो जाता है। तो कहां प्राप्त किया गया होगा? स्पेन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अमर्त्य सेन, इसको साल 2014 में इनको मिला था कौन सा नोबेल प्राइज भी इनको मिला था अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन ये राजी, तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं है या तमिलनाडु ही है, कभी ये सोच लेके मिस प्रिंट हो गया हो। लास्ट ईयर ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा हो जाता है? खमती, वाचो, मिसमी या तुत्सा? कौन सा हो जाता है? देखिएगा, मिशमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का यह एक प्रमुख नृत्य हो जाता है। और इस नृत्य के अंतर्गत जल और वायु देवता की क्या है पूजा की जाती है, किस जनजाति के द्वारा? तमिलनाडु जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, सॉरी तमिलनाडु त्योहार मनाया जाता है मिशमी जनजाति के द्वारा। वहां पर अगर बात करी जाए पूर्वी भारत में बहुत सारी ऐसी जनजातियां जिनके ऊपर क्या है स्थानों के नाम और पहाड़ियों के नाम भी आपको देखने को मिलती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के भी नाम है परंतु वहां की जनजाति के भी नाम हो जाते हैं। उसी प्रकार से मिशमी, मिसी, आबोर, ये डाफला, ये सारी की सारी पहाड़ियां हो जाती हैं अरुणाचल प्रदेश की, और मिशमी वहां की जनजाति भी हो जाती है जिनके द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने किस वर्ष जीता था? एशियन गेम्स की शुरुआत होती है वर्ष 1951 में, भारत आजादी के बाद भारत ने इसको होस्ट किया और भारत ने ही इसको ईजाद किया एशियन गेम्स के बारे में। जिस साल आजाद हुआ था, जिस साल ये आयोजन किया गया था उसी वर्ष भारत ने इसको जीत लिया था, साल 1951 में, साल 1951 में जीता। उसके बाद एक बार और इन्होंने जीत हासिल की थी साल 1962 में। कब? एक बार साल 1951 में हो गया, एक बार साल 1962 में, और इन्होंने क्या था गोल्ड हासिल किया था फुटबॉल में, फुटबॉल में इन्होंने क्या था गोल्ड हासिल किया था। इस प्रकार से दो बार अभी तक इन्होंने गोल्ड हासिल किया है फुटबॉल में, उसके बाद से टाटा बाय बाय सी यू। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहां स्थित हो जाता है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, देखिए नमक सत्याग्रह शुरू किया जाता है कब? 12 मार्च 1930 से ये शुरू किया जाता है, दांडी यात्रा के रूप में चलता है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है दांडी यात्रा, और उसी के साथ शुरू हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू होता है? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और दांडी मार्च कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 से क्या है दांडी मार्च शुरू हो जाता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा ये पूछ रहा है स्मारक कहां स्थित है, बाबू गुजरात में होगा, गुजरात में क्या है यह यात्रा शुरू की जाती है, दांडी में जाकर के खत्म होती है और शुरू होती है कहां? साबरमती से इसका प्रारंभ होता है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष में, किस वर्ष में कुट्टनाड की समुद्री तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था? FAO, इसमें एक शब्द यूज हो रहा है FAO, ये एक संगठन हो जाता है, यूएन का संगठन हो जाता है, ठीक है जी, जिसकी शुभारंभ होता है कब आपका नवंबर में भी, नवंबर 1945 में क्या है इसका गठन होता है, 1945 में इसका क्या है गठन होता है, किसका जी FAO का गठन होता है। और इसका मुख्यालय की बात करूं तो रोम इटली में इसका मुख्यालय हो जाता है, कहां? रोम इटली में हो जाता है। और इसके वो लिख लेंगे महानिदेशक, महानिदेशक कौन हो जाते हैं? महानिदेशक, महानिदेशक है इसके कौन? जैक्स डियोज इसके महानिदेशक हो जाते हैं, जैक्स डियोज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब घोषित किया गया था विश्व महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में? साल 2013 में इसको घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पाबो क्रिस्टेसो को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है,
पावो क्रिस्टेसस, ये आपका साइंटिफिक नेम दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कबूतर, बनमानुस, कुत्ता या मोर। देखिएगा अगली स्लाइड में आपको दे रखा है कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, कोलुम्बिदाय, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और ये सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है, तीसरा हो जाता है कुत्ते का, हो जाएगा कैनिस ल्यूपस फैमिलेरिस। और ये किसका हो जाता है, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है, ये आपका वनमानुष का हो जाता है। जो भी आपका अंग्रेजी में लिख रहा है, अंग्रेजी मेरी वैसे कमजोर है, तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यानी कि मोर का, ये आपका वैज्ञानिक नाम दे रखा है। ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलने अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेना चाहो तो, नहीं लेना चाहते तो अगले प्रश्न पर आ जाओ। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। देखिएगा भारत में जीवों की हत्या हो रही है और राजा महाराजाओं के द्वारा क्या है, शिकार किए जा रहे हैं, तो उसी शिकार को बंद करने के लिए, जीव हत्या को बंद करने के लिए, रोकने के लिए, और एक वन्य जीव अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत छह अनुसूचियां लाई गई। शुरू की चार अनुसूचियों में जो रेड लिस्ट में हमारे सम्मिलित हो जाते हैं जीव, उनको इसमें सम्मिलित किया गया, उसमें इसमें जगह दी गई। और बाकी की कुल कितनी अनुसूची हो जाती है, इसमें छह अनुसूची इसमें हो जाती है, छह अनुसूची किसमें हो जाती है, वन्य जीव अधिनियम में हो जाती है। कौन से इस वर्ष का हो जाता है, साल 1972 का ये अधिनियम हो जाता है। ऑप्शन नंबर चार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम साल 1972। और इसी के द्वारा ध्यान रख लेना, कब, साल 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन होता है, तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था इसको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946 के द्वारा क्या कर दिया गया था, यह विषय राज्य से निकाल कर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिए गए। ठीक है जी, ऐसे ही टोटल पांच विषय थे, इसके साथ साथ प्लस चार विषय और थे जिनको भी क्या था, समवर्ती सूची में डाल गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और उसके बाद आपके हो जाते हैं ये माप तोल से संबंधित चीजें थी। ठीक है जी, इस प्रकार से आपकी ये पांच चीजें थी जिनको क्या था, राज्य से समवर्ती में ट्रांसफर कर दिया गया था, साल 1972 का यह अधिनियम हो जाता है। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले प्रश्न पर चल देंगे। इकोलॉजी शब्द में किस भाषा का शब्द हो जाता है, ओकोलॉजी, क्योंकि ये ओकोलॉजी शब्द से बना हुआ है, कौन सा आपका, इकोलॉजी, इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे के सारे वर्ड कहां से लिए गए, यूनानी भाषा के ये वर्ड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा, नो मोर डिस्कशन, ओक्यो इसका ये सही आंसर हो जाएगा, यूनानी भाषा का शब्द हो जाता है इकोलॉजी। कहां से आता है, ओकोलॉजी से ये शब्द बनता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली यानी कि दो सदन होने चाहिए, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, तो यह प्रणाली कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या आयरलैंड, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत अभी अभी आजाद हुआ है, कुछ दिन से हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे हैं, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चल रही है, अंग्रेजों ने साल 1919 में हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना कर दी थी। हालांकि उस समय इसको जनता सदन और प्रबुद्ध सदन के नाम से जाना जाता था, आजादी के बाद से इनका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये प्रणाली कहां से हो जाती है हमारी, यूनाइटेड किंगडम से ये प्रणाली हो जाती है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाता है। साथ के साथ ये जो तीन राज्य और लिखे हुए हैं, चारों के चारों कहां कहां से क्या क्या लिया, एक बार उन पर नजर मार लेते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से आपका लिया गया था भारत की संसदीय शासन प्रणाली, संविधान में एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनीय बात, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने आपको पॉलिटी की क्लास कराई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इनका दे रखा है। फिलहाल इनका क्विक रिविजन चल रहा है, तो इनको मैंने इसमें लगा करके, पीडीएफ में लगा करके तुरंत क्विक रिविजन करा रहा हूं, आगे चल के जब आपको क्लास कराऊंगा तब इनको फिर से अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देंगे, वर्तमान में अभी इतना समय नहीं है कि इनको एक्सप्लेन किया जाए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से दे रखा हमको, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या मिला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा हो जाती है, जबकि प्रस्तावना की पहली पंक्ति कहां से हो जाएगी आपकी, अमेरिका से हो जाती है, समवर्ती सूची का प्रावधान यहीं से लिया गया है, केंद्र राज्य के बीच संबंध यहीं से मिले हैं, शक्तियों का विभाजन हमको यहीं से मिला है, व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल संख्या 108 में हो जाती है, वो भी हमको यहीं से प्राप्त हुई है। अगला स्लाइड, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात करें तो संविधान में संप्रविधान की सर्वोच्चता
ये यहां से मिली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने यहां से लिए, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाना, और उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो जाती है, ये सारी की सारी चीजें हमने यहां से लिया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेने ना आपके बुक में लिखे हुए हैं, मैंने रिविजन के तौर पर आपको ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगाया है। आगे दे रखा है आयरलैंड, आयरलैंड से एक डीपीएसपी नाम की जो चिड़िया है ये यहाँ से बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कला विज्ञान सामाजिक ये जो क्षेत्र दे रखे हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। चले अब आगे लीजिएगा, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर, जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी हो जाते हैं पहले विकेट कीपर आप उनको कह सकते हैं, उसी प्रकार से पूछ रहा है पहला गोलकीपर कौन था जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिएगा कौन हो जाते हैं, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार पढ़ेंगे आंसर करेंगे, मैं इसने इसको रफ करता हूं और उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा इसमें एक ऑप्शन दे रखा है पी आर सृजेश, पी आर सृजेश को साल 2021 का कौन सा जी, साल 2021 का इनको एक अवार्ड मिला था जो कि कौन सा हो जाता है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर कब, साल 2021 का ये अवार्ड किसको मिलता है, पी आर सृजेश, कहां है हमारे पी आर सृजेश, ये हो जाते हैं भारतीय टीम के वर्तमान विकेट गोलकीपर हो जाते हैं कौन हमारे पी आर सृजेश, और पहला सौभाग्य जिनको मिलता है वो कौन हो जाएंगे हमारे शंकर लक्ष्मण हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन शंकर लक्ष्मण हो जाते हैं 1933 में ये होता है, और कहां से संबंधित होते हैं, किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से ये संबंधित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, कहां से हो जाएंगे मध्य प्रदेश से हो जाएंगे, साल 1933 में क्या था ये बने थे, और इन्होंने साल 1956 कब कब जिताया था इन्होंने ओलंपिक में, ओलंपिक में 1956 और 1960 में क्या मिला इनको, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया, गोल्ड मेडल, और वहीं 1964 की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल इनको मिला था, सिल्वर, ठीक है जी, ये याद रख लेना, किसके नेतृत्व में, लक्ष्मण जी के नेतृत्व में साल 1956 और 1960 में मिला था गोल्ड, और 1964 की बात करें तो यहाँ पर रजत पदक इनको प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर साल 2021 का पी आर सृजेश को हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी संभावना इसकी है पूछे जाने की। साल 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ऑपरेशन फ्लड मनाया जाता है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है साल 1970 में, यानी कि दुग्ध क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके जनक हो जाते हैं वर्गीस कुरियन, और वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर ही यह मनाया जाता है, कब हो जाता है, आंसर करेंगे एक बार, सभी आंसर करेंगे जो भी क्लास देख रहा है, और सही आंसर क्या है इसका, 26 नवंबर हो जाता है, 26 नवंबर को ही हमारे वर्गीस कुरियन साहब का जन्मदिन होता है, वर्गीस कुरियन ने कब, साल 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरुआत होता है, ऑपरेशन फ्लड OPRATION ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हो जाती है किसके द्वारा, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्टार लगा के लिख लेना, ये पूछा जा सकता है, 26 नवंबर इसका सही आंसर, सॉरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल हो जाती है, कौन से हो जाती है, देखिएगा इसमें अगर आपको इतना आर्टिकल भी याद नहीं है तो सीधा सीधा आप पहुंच सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हमको कहां से कहां तक दे रखे हैं, तो उसी के बीच में कहीं ना कहीं ये आर्टिकल होगा, तो आप सीधा सीधा अगर वहां पहुंच गए तो ऐसा एक ही ऑप्शन इसमें दे रखा है, वहीं से आप इसको आराम से डिडक्ट कर सकते हो, यही तरीका होता है कि भाई तुक्का लगाना, जिसको कहते हैं तुक्का लगाना, पहला नीचे चलते हैं 63 और 72, 63 से 72 तक हमको मिल जाते हैं किसके आर्टिकल, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल मिलते हैं, तो यहाँ तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, 65 से 122 की बात करें तो भाई इतने लंबे आर्टिकल हो जाते हैं, तो 65 में भी हमारा उपराष्ट्रपति ही रह जाता है, और 122 में हमारे कौन से हो जाते हैं, यहाँ तो अभी सुप्रीम कोर्ट शुरू ही नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से शुरू होगा, आर्टिकल नंबर 124 से, तो सीधा सीधा हम 124 के पास पहुंचे, चलो फिर भी एक बार हम ऑप्शन नंबर 2 को देख लेते हैं, 130 ये तो चलो आपका आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, ठीक है जी, क्योंकि 124 से लेकर के 148
47 तक हो जाते हैं, परंतु 172 की बात करें ये तो राज्य के आर्टिकल्स में चला जाता है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि इनके अंतर्गत आता है 124 से लेकर के 147 के बीच में, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाता है, इसी के आर्टिकल नंबर 129 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 129 में क्या हो जाता है आपका? अभिलेख न्यायालय हो जाता है, अभिलेख न्यायालय, और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यह रहा अगला क्वेश्चन। अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के तहत नेपाल को किए जाने वाले फंड ट्रांसफर की सीमा को बढ़ाकर प्रति लेन देन करने की घोषणा की जो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी। तो पूछ रहा है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 75,000, 50,000, 2,00,000 या 1,00,000? बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन हो जाता है, नहीं पता होगा नॉर्मली, और ना ही पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके पेपर को सूट ही नहीं करता, ये तो आपको बस अटकाने के लिए दिया गया था। 2,00,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, 2,00,000 रुपए। वेट्टी शासकों के द्वारा, किस शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? चालुक्य, चोल, पल्लव या नंद? कौन सा सही आंसर हो जाएगा? चालुक्य, चोल, पल्लव या आया किसी का आंसर? देखिएगा, बात करें भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा शासक लंबा पीरियड किसका रहा था? चोल शासकों का रहा था, और चोल शासकों के द्वारा ही वेट्टी नाम का क्या था, यह कर वसूला जाता था। वेट्टी नाम का क्या था? कर था, जबरन श्रम वसूला जाता था व्यक्तियों के द्वारा। चोल शासक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चोल शासक ही हो जाते हैं जिनके द्वारा, एक याद करो, तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर हो जाता है, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हो जाता है, यूनेस्को की विश्व विरासत में स्थित हो जाता है। तंजौर में यह आपका स्थित है मंदिर, कौन सा? तंजौर में हो जाता है, और यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया, चोल शासकों के द्वारा यह निर्मित किया गया था। चोल ही थे जिन्होंने पहली बार भारत के उत्तर भारत में बंगाल के शासक गोपाल को पराजित करा था और गंगईकोंड की उपाधि धारण करी थी, यानी गंगा अभियान के द्वारा किया गया था। चोल शासकों के द्वारा ही पहली बार उत्तर भारत में गंगा अभियान किया गया था, गंगईकोंड की उन्होंने उपाधि धारण करी थी और अपने यहाँ पे एक तालाब बनवाया था जिसको चोल गंगम के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? सभी का आंसर आ गया होगा और सही आंसर आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा धारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। शराबी की बात कर रहा, सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा, यानी कि कुल मिलाकर के एक आदमी पौआ पी के आपके घर के बाहर घूम रहा है और आपके बारे में क्या है, अंटे संटे बातें कर रहा, पड़ोस में बता रहा, बोले कि भैया शर्मा जी के यहाँ तो ऐसे होता है, शर्मा जी ऐसे हैं, शर्मा जी वैसे हैं, शर्मा जी फलाना, शर्मा जी ठिकाना, तो इसके लिए क्या सजा हो सकती है? पुलिस वाले आएंगे, दो थप्पड़ मारेंगे, 24 घंटे के लिए जेल में रखेंगे, उसकी जेब में से 10 का नोट निकालेंगे और टाटा बाय बाय कह देंगे, यही इसकी क्या है, सजा हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो, यानी कि 10 रुपए या फिर आपका 24 घंटे की जेल, उसके बाद क्या है, उसका नशा उतर जाएगा, उसके अरमान ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद जा बेटा अपने घर जाए और मौज ले, फिर से कल शाम को दारू पिए और कल से फिर जाकर क्या है, फिर से ऐसी करना है, फिर से पुलिस वाले तेरी जेब से क्या है 10 रुपए काट लेंगे, ऐसे ही होता, चलो कोई बात नहीं है, होने दो, जो होता है उनकी भी क्या है इच्छा। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? अप्रवास, नानवास्थान्तरण, ट्रांसह्यूमन, उत्प्रवास या प्रवास, क्या हो जाता है? देखिएगा, आपने ध्यान दिया होगा हमारे यहाँ कुछ ऐसे पक्षी जीव अभ्यारण्य है जहां पर क्या है, कुछ पक्षियां आते हैं, विदेशों से पक्षी आते हैं जिनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है, यानी कि विदेशों से आया हुआ या विदेशों को गया हुआ, उसी को क्या बोला जाता है, प्रवासी कहा जाता है। प्रवासी व्यक्ति होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, और वही क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होता है, इनको क्या बोला जाता है, प्रवास बोला जाता है, ऑप्शन नंबर चार सही आंसर हो जाता है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 30 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया था? इसी के ऊपर एक पिक्चर भी आई थी आयुष्मान खुराना की, अस्पृश्यता के ऊपर, यानी कि छुआछूत से संबंधित, किस आर्टिकल के द्वारा हो जाता है? आर्टिकल नंबर 17 बेहद लोकप्रिय हो जाता है एसएससी का, बहुत ज्यादा ये पूछा जाने वाला प्रश्न है एसएससी के द्वारा। आर्टिकल नंबर कौन सा दे रखा है ऊपर? 16 दे रखा है। 16 में कौन सी हो जाती है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन
में अफसर, ये कौन से आर्टिकल से हो जाता है? आर्टिकल नंबर 16 से हो जाता है। 19 की बात करें तो 19 में क्या हो जाता है? बकबक करने का अधिकार होता है, यानी कि बोलने का अधिकार, बोलने की आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है ना, उनकी आजादी मिल गई सबको। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 19 हो गया आजादी। आर्टिकल नंबर 18 में क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में हो जाता है। ये कुछ कॉमन से आर्टिकल हैं जो कि बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए। अगला, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सरल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय समूह में आता है? निम्न आय समूह, यानी कि जिसकी क्या बहुत ही गरीब स्थिति हो जाती है, उच्च मध्य आय समूह यानी कि ऊंचा और मध्य वाले उस वाली कैटेगरी में आता है, या उच्च आय समूह, इसमें तो नहीं आएगा, ना ही निम्न में आएगा। ना तो भारत पूरी तरीके से अमीर है, ना ही भारत पूरी तरीके से गरीब है। तो आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपके पास बचते हैं, बताएंगे इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किसमें हो जाएगा? निम्न मध्यम आय वर्ग में यह हमारा भारत सम्मिलित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का घोल कब पिलाया जाता है? रिकमेंडेड टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, कौन कौन से रोग दे दिए अंग्रेजी में, कंजक्टिविटीज, स्किन रेसिस, या विसिंग, या आपका डायरिया, कौन सा हो जाएगा? भाई डायरिया इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कौन सा, पेचिस। पेचिस से भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको बोलते हैं हम दस्त। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर हो जाएगा, इसको ही हिंदी में क्या बोलते हैं, दस्त इसको कहा जाता है। हाँ, थोड़ा सभ्य सलीके में जाओगे तो पेचिस इसको कहा जाता है, और बाकी इससे भी ज्यादा अच्छा शब्द चाहिए तो ये डायरी आपका लिखा हुआ है। हाँ जी, ये और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं। ठीक है जी, कौन सी दो नदियां जो समानांतर बहती हैं? एक तो आपकी गोदावरी, और नीचे कौन सी हो जाएगी आपकी, गोदावरी और कृष्णा हो जाएगी, गोदावरी और कृष्णा, हाँ कृष्णा KG, हाँ सॉरी कावेरी, कृष्णा नहीं कावेरी। और इधर कौन सी हो जाती है, ताप्ती और नर्मदा, क्या है, दोनों समानांतर बहती है, नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे का देखने की जरूरत ही नहीं है, कौन सी दो नदियां जो समांतर बहती हैं, इतना ही देख करके आपको आंसर कर देना था, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन आपका समय खराब करता और कुछ नहीं था। नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्टैच्यू ऑफ पीस इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट वॉज अनवैलिड अनवैलिड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन नवंबर 2020। हाँ जी, किस वर्ष नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग बाय प्राइम मिनिस्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था साल 2020 में? कौन सा राज्य हो जाता है स्टैच्यू ऑफ पीस? आजादी में बहुत ज्यादा योगदान दिया था इन व्यक्ति के द्वारा, कौन हो जाते हैं? संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज, संत श्री विजय सुरेश्वर जी महाराज, इनके द्वारा, मतलब इनके लिए अनावरण किया गया था, किसके द्वारा? अष्ट धातु से ये निर्मित हो जाती है, अष्ट धातु से निर्मित हो जाती है, और 151 फीट ऊंची यह प्रतिमा हो जाती है। कहाँ अनावरण किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान इसका सही आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आज के आपके 29 अभी तो एक क्वेश्चन और है, ये रहा हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित हो जाता है? हिल पैलेस संग्रहालय, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? हिल पैलेस संग्रहालय बताएंगे, साल 1865 में स्थापित किया गया था, अंग्रेजों के समय का ही हो जाता है। कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। केरल में भी कौन सा स्थान है? कोच्चि में ये स्थित हो जाता है, केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि में ये आपका स्थित हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिएगा, किसी का कोई डाउट हो तो आपके नीचे स्क्रीन पर मेरे हमारे कॉन्टेक्ट दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख सकते हैं, आप अपने सलाह लिख सकते हैं, किसी कोई इशू है तो वो आप लिख सकते हैं, अगर हमारी भाषा से किसी को अगर कोई आपत्ति होती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति की आजादी, अभी अभी हमने आर्टिकल नंबर 19 बताया जिसमें आप क्या है कुछ भी बोल सकते हैं, हम लेकर रहेंगे आजादी, जब वो इतना बोल सकते हैं तो हम और आप तो है ही क्या। चलिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने क्लास में जुड़े, इतना आपने समय दिया, इतना आपने हमको प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।